अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चे जो हैं वो स्कूल चले गए हैं, मैं जो है ये बर्तन उठाने लगी हूँ। बर्तन जो है वो धो लेते हैं। अब्दुल हादी जो है वो मेरी हेल्प कर रहा है। ये बर्तन जो है वो हम अब्दुल हादी ले आओ, सारे बर्तन जो है जमा कर। ये जो है ना मेरे पास कुछ डब्बे हैं खाली, इनमें मैंने चीज़ें डाल ली हैं, तो ये जो है ना मैं इनमें डालती हूँ चीज़ें, जिससे मैं वाशरूम वगैरह, ये मेरे पास लेमन वैक्स, मैं इससे वाशरूम वगैरह साफ़ करती हूँ। इसको मैं ना डब्बे में डाल देती हूँ। और ये है मेरा किचन, मैं किचन में होता है डब्बा, ये वाला इसमें डालूँगी थोड़ा सा। और बस पत्ती, ये पत्ती है मेरे पास जो मैंने उस दिन खोली थी, ये देखिए यहाँ से सारा फट गया था, तो इस तरह ये जो है पत्ती ख़राब हो जाती है। तो ये है मेरे पास डब्बा खाली, पहले भी मैं इसमें डालती थी। ये जो है पत्ती जो मैं सारी इसमें डाल के रख दूँगी। ये है मेथी जो मैं, ये मेथी है मेरे पास, ये मैंने जो खुश्क की थी मेथी, ये देखें मेथी जो है ये देखें अच्छी तरह से खुश्क हो गई। अब मैं इसको ना इसमें डब्बे में डाल के रख दूंगी। अब रख देंगे जगह जगह पे। जो ये बर्तन पड़े हैं बहुत सारे जमा हुआ है, ये धो लेती हूँ। कर लिया, ये देखें सारे बर्तन वगैरह धो के। देखें सिंक जो है इसको मैंने लेमन मैक्स से धो दिया, दोबारा से चमकने लग गया। ये देखें सारे बर्तन वगैरह धो लिए हैं, ये मैंने किचन साफ़ कर दिया। अब्दुल बारी ये ले आओ, ये वॉशरूम वाला है उधर रख दो। कि जी चीनी वाला डब्बा है, हाँ ये चीनी है, चीनी वाला डब्बा इसको इधर ही रख दो। तो ये देखें कपड़े जो हैं वो मैंने भिगो के रखे हुए हैं शिलिंग करने के लिए, इनको ना मैं तार पर डाल दूँ। ये जो है मैंने शिपिंग कर ली है कपड़े, ये तार पे डाल दिए। अब मैं लगी हूँ, वो देखें लाइबा को ना ये मिला था, क्या कहते हैं बुके, ये देखें लाइबा की ना, ये देखें लाइबा की ना हैप्पी बर्थडे थी। लाइबा की ना दोस्त ने लाइबा को कल ये बुके दिया। लाइबा की ना 15 फरवरी को ना हैप्पी बर्थडे होती है। तो जी सफाई वगैरह मैंने कर ली है। तो जुम्मे के दिन नहाना और खुशबू लगाना सुन्नत है, और जुम्मे वाले दिन जो है वो सूरत कहा पढ़ना भी सुन्नत है, क्योंकि रसूल सल्लम जो काम करते हैं और वो हम अमल करेंगे ना, तो वो अमल करना सुन्नत कहलाता है। और ये सूरत जो है ये सूरत मक्की है, मक्का में नाजिल हुई थी। और ये सूरत जो है ये 15वें पारे से शुरू होती है और 16वें पारे में ख़त्म होती है।
और है ना जुमे के दिन ये सूरत पढ़ता है सूरत कहफ, तो उसका दूसरे जुमे तक जो गुनाह वो माफ़ हो जाते हैं। एक हदीस में तो ये कहा गया, दूसरी हदीस में है कि अल्लाह ताला ने वो पूरा हफ्ता जो है ना उसका वो नूर और रोशनी से भर देते हैं और नूर जो है वो जगमगाता रहता है। तो आप लोग भी इस सुन्नत पर अमल करें, सूरत कहफ पढ़ें, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे। और आप लोगों ने मुझे दुआओं में याद रखना है। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।